हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में चैनिका गर्ग जी हैं जिन्होंने मई 2023 में अपना ग्रुप वन क्वालिफाई किया। एसएफएम में इनका एग्जामिशन है। बहुत ही मेहनत से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है और मेहनत भी दिखता भी है। इन्होंने जो स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट है, क्लास की जो कवरेज है, बहुत अच्छे से इन्होंने कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाई की। फाइनेंस में इनका स्पेशल रुचि है, आगे चलकर फाइनेंस में ही अपना करियर बनाना चाहेंगे ये। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि एसएफएम की क्लास आदित्य जैन सर से ही क्यों ली, और आपको जो स्टॉक मार्केट की जो हम क्लासेस लिंक करके पढ़ाते थे वो कैसा लगा? क्लास के जो नोट्स आपको लिखवाते थे वो रिवीजन टाइम में कितना मदद किया? जो हम बेसिक लेवल से पढ़ाते थे कि भाई इंटर का बच्चा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम जीरो लेवल से ही शुरू करेंगे, और क्लास की जो मोटिवेशन थी, जो स्टार्ट मोटिवेशन से होती थी, एंड मोटिवेशन से होती थी, ओवरऑल जो मोटिवेशन था क्लास का वो कैसा लगा? प्लस जो हमारे स्टूडेंट्स से ऑलरेडी पास्ट परफॉर्मेंस हम बार बार बताते थे कि हमारे स्टूडेंट्स के 100 में 100 आते हैं, 100 में 100 आते हैं, और वो कितना मोटिवेट किया कि जब इनके आते तो हमारे क्यों नहीं आएंगे। तो सारी चीजें बताएं ताकि दूसरे लोग जो एसएफएम में पास भी नहीं होने का सोच पा रहे हैं, एग्जामिशन आप लेकर आए, अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं और आगे अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर, मैंने आपकी क्लासेस, मतलब मैंने आपके डेमो वीडियोस देखे, मुझे यूट्यूब से जब मैंने आपकी क्लासेस ली थी तब तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोच लिया था कि मुझे आप ही से क्लासेस लेनी है। और आपने हर एक कॉन्सेप्ट को इतना प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इतना अच्छे से एफएम पढ़ाया, ग्रुप वाले को जाएगा कि मतलब सिखाएगा? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हम लोग जब भी बाद में हम जब भी नोट्स को देखते थे, मतलब क्लासेस तो हमने पहले ही ले ली थी, पर जब भी हमने नोट्स को देखा है, पढ़ा है, ऐसा ही लगता था कि हम हमारे सामने ही बैठ के पढ़ा रहे हैं। मतलब इतने लेमन लैंग्वेज में भी नोट्स हैं, सब कुछ अच्छे से समझ आता है, काफी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, मतलब काफी हेल्प हुआ कॉन्सेप्ट से, एक एक क्वेश्चन से आपके, मतलब आपकी क्वेश्चन बैंक करने के बाद तो लगा ही नहीं कि पेपर हमें आता नहीं है या फिर देखा नहीं है क्वेश्चन, सब कुछ उसी में से था। और आपके स्टॉक मार्केट, उसकी वजह से काफी हेल्प हुआ, मतलब करा प्रैक्टिकली भी हमने उसको एम्प्लाई, तो काफी अच्छा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो मैं तो इवन अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करती हूँ कि आदित्य जैन सर से ही लीजिए, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा उनसे। आपको भी फ्रेंड लोगों ने सजेस्ट किया होगा? स्टार्टिंग में हाँ जी, फिर मैंने आपका डेमो देखा तो मुझे काफी अच्छा लगा, तो मैंने सोच ही लिया था कि आप ही से लेना है। मतलब बेसिक्स है, आपने जैसे पहले वैल्यूएशन, पहले स्टॉक मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन दी, फिर वैल्यूएशन, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने हमको एक्सपीरियंस किया उस सब्जेक्ट में। कई मतलब लोगों से बेसिक सुनती लेवल हूँ, कई पूरा टीचर क्लियर तो किया। सीधा, मतलब लाइक हाँ जी हाँ जी, कई टीचर्स तो मतलब होते हैं कि स्टार्टिंग मतलब बड़े वाले चैप्टर्स उठा लेते हैं तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती थी, वेरी गुड। तो वो बहुत अच्छा लगा कि क्लास का मोटिवेशन इनिशियली हम स्टेप बाय स्टेप। सर मोटिवेशन, आप मतलब आपकी हर एक चीज, जिस तरीके से आप क्लास को शुरू करते थे बीच में, आपने हर तरीके से मोटिवेट किया है बच्चों को, आपकी बुक्स ने, सब चीजों मजा आ गया। मतलब ने। आप इतना अच्छा आप बोल रहे हैं तो उसका डेफिनेटली आप इतना एग्जेम्पशन भी आपने सिक्योर किया, ऐसा नहीं है कि, और आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बहुत अच्छा है। जी सर, स्टॉक मार्केट में क्या काम किया आपने? डीमेट आपकी वजह अकाउंट। से बहुत अच्छी सर, कुछ मतलब पोर्टफोलियो बनाया, बाकी अभी आईपीओस वगैरह आते हैं तो उसमें जरूर वेरी लगाती हूँ मैं। वेरी गुड। ये मुझे, मैं अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ कि बच्चे को इतना मैंने सिखा दिया कि बच्चा खुद स्टॉक मार्केट में कंपनी का मालिक बन सकता है, आईपीओ में पैसा लगा सकता है। आई एम फीलिंग प्राउड। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। प्राइस सेरेमनी में आप जरूर इनवाइटेड हैं, जरूर आइएगा, और बहुत अच्छा लगता है पुराने स्टूडेंट से जी मिलना और उसके बाद उनके व्यूज जानना, ताकि हम लोग भी और अच्छा कर सकें आगे, और आपको भी आगे फिनांस में करियर बनाना है। ऑल दी बेस्ट। मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है सर आपसे मिलना। थैंक यू सो मच।